लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 3 और सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में वीआईपी सीटें गुना और विदिशा शामिल हैं। काफी गहन चर्चा के बाद कांग्रेस ने गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने राव यादवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा विदिशा से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दमोह से कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को मौका दिया है। बता दें, दमोह से बीजेपी ने राहुल लोधी को लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कुल 25 सीटों पर कैंडिडेट तैयार कर लिए हैं। अब 4 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का इंतजार किया जा रहा है। कौन है राव यादवेंद्र सिंह? राव यादवेंद्र सिंह के जरिए कांग्रेस ने एक मजबूत दांव खेला है। राव यादवेंद्र सिंह अशोकनगर जिले से आते हैं। वह फिलहाल जिला पंचायत सदस्य हैं। राव यादवेंद्र सिंह पहले बीजेपी में ही शामिल थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनके पिता स्वर्गीय देशराज सिंह यादव बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। राजनीति में सक्रिय हैं परिवार के 6 सदस्य। राव यादवेंद्र सिंह के परिवार के 6 सदस्य अभी राजनीति में सक्रिय हैं। यादवेंद्र सिंह खुद जिला पंचायत सदस्य हैं। उनकी पत्नी जनपद सदस्य, भाई जिला पंचायत सदस्य और मां भी जनपद सदस्य हैं। इसके अलावा उनके पिता 2 बार गुना लोकसभा सीट से सिंधिया के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हुए थे शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें मुंगावली विधानसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्हें बीजेपी के ब्रिजेंद्र सिंह यादव से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस अब उन्हें लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। बता दें कि गुना लोकसभा सीट ओबीसी बहुल सीट मानी जाती है। गुना और अशोकनगर जिले में इस वर्ग का खास दबदबा माना जाता है। माना जा रहा है कि ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस ने उन्हें इस सीट से मैदान में उतारा है। बता दें, बुधवार को जारी हुई कांग्रेस की इस 8वीं लिस्ट में कुल 14 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। झारखंड खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत, हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल, मध्य प्रदेश दमोह से तरवर सिंह लोधी, विदिशा से प्रताप भानु शर्मा, यूपी गाजियाबाद से डॉली शर्मा, बुलंदशहर से शिवराज बाल्मीकि, सीतापुर से नकुल दुबे, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी, तेलंगाना आदिलाबाद से सुगना कुमारी, निजामाबाद से ततिपार्थी जीवन रेड्डी, मेढक से नीलम मधु और भोंगीर से किरण कुमार रेड्डी। बता दें, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 208 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले उसने 7 अलग अलग सूची जारी कर कुल 194 उम्मीदवार घोषित किए थे। देश की 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके बाद 6 और चरणों में 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतगणना 4 जून को होगी।